वाराणसी की जिला अदालत से 31 जनवरी को हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा फैसला आया। फैसले के तहत हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया। कोर्ट के आदेश दिए जाने के चंद घंटों बाद ही 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी रात तहखाने को खोलकर कड़ी सुरक्षा के बीच साफ सफाई कराई गई और फिर 31 साल बाद व्यास जी तहखाने में पूजा करा दी गई। ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने समेत कुल 10 तहखाने हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ASI को काशी के ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग के सर्वेक्षण का आदेश देने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें 10 तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने और विवादित स्थल को कृत्रिम दीवारों से सील किए गए मस्जिद के 10 तहखानों को खोलने और उनमें ASI के जरिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग भी की गई। इसी के साथ एक दूसरी याचिका भी दाखिल की गई है। इस दूसरी याचिका में हिंदू पक्षकारों ने वजूखाना की सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष की याचिका में ज्ञानवापी में सील एरिया को भी खोले जाने की मांग की गई है। बात करें व्यास जी तहखाने में हुई पूजा पाठ की, तो सर्वे के दौरान जो मूर्तियां वहां मिली थी उसे रख कर देर रात तक पूजा पाठ कराई गई, आरती की गई, भोग और प्रसाद भी बांटा गया। अब से व्यास तहखाने में शयन आरती, मंगल आरती सहित पूजा पाठ की सभी विधियां वहां मौजूद देवी देवताओं के विग्रह के सामने पूरी की जाएगी। प्रशासन ने तहखाने के भीतर पूजा आदि की व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंपती है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अपने सवाल है। उसके वकील फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। अभी आपके पास और क्या रास्ते बचे हैं? इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो मुमकिन रिलीफ होगी इसके लिए आगे जाएंगे। आप लोग पहले भी कह रहे थे कि एक ही तरह के प्रार्थना पत्र में दो ऑर्डर नहीं आ सकते। दो ऑर्डर नहीं आ सकता, ये ऑर्डर जनपद न्यायाधीश ने गलत किया है और स्पेशल वर्शिप एक्ट और 37 के मुकदमे के फैसले को ओवरलुक करके किया है। अभी इस मामले में DM को रिसीवर बनाने वाला ऑर्डर आ चुका है, फिर इसके खिलाफ भी हम हाईकोर्ट गए हैं, इसके खिलाफ भी जाएंगे। मुस्लिम पक्ष जो हाईकोर्ट जा रहा है, क्या तैयारी है? हम लोग भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। इस बीच एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। कुछ युवकों ने ज्ञानवापी की तरफ जाने वाले मार्ग पर लगे साइन बोर्ड पर ज्ञानवापी मंदिर मार्ग लिख दिया, जिसकी तस्वीर और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि ये तहखाना ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मस्जिद के नीचे है, जहां नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार ही पूजा पाठ करता था। सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर बंद करा दिया था, यानी नवंबर 1993 के बाद से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद है। शैलेंद्र कुमार पाठक लगातार तहखाने के अधिकार और उसमें पूजा पाठ की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। शैलेंद्र पाठक व्यास परिवार के ही वंशज हैं। कोर्ट का आदेश आने के बाद रातों रात तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई, जिसके बाद परिसर में पूजा अर्चना हुई। प्रशासन की मौजूदगी में विश्वनाथ मंदिर की तरफ से जहां बड़े नंदी विराजमान हैं, उनके ठीक सामने की बैरिकेड को खोलकर तहखाने में जाने का रास्ता बनाया गया। बात करें कोर्ट के इस फैसले की, तो इसमें 30 जुलाई 1996 के एक एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट ने अहम रोल निभाया है। अब देखना होगा जब व्यास तहखाना खुल चुका है कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसके बाद और बाकी के जो तहखाने हैं मस्जिद के अंदर, ज्ञानवापी पूरे परिसर के अंदर, उसको लेकर क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।